तो अभी हम खड़े हैं यहाँ के कोचिंग का नाम क्या यार सॉरी। तो इसी प्रकार आज हम आए हैं गुरुवाणी कैरियर इंस्टीट्यूट में। ये जो कैंपस है ये है स्कूल प्लस फाउंडेशन, यहाँ पर फाउंडेशन कराया जाता है और जो दूसरी बिल्डिंग है वहां पर कराया जाता है ओनली ICR, JET, BHU इन सब के कोर्स कराया जाता है और इस बिल्डिंग में ओनली फाउंडेशन कोर्सेज होते हैं स्कूल के साथ में। स्कूल से टेस्ट वगैरह जब एडमिशन टाइम होता है ठीक है तो उस समय हम लॉन्च करते हैं, तो इसमें यदि बच्चा टॉपर है ठीक है तो उसको हम फीस वगैरह में छूट बच्चे को देते हैं, यानी कि उससे बच्चा 100% भी डिस्काउंट ले सकता है आपसे ना। जी हाँ, उसमें बिल्कुल ले सकता है, क्यों नहीं ले सकता, बिल्कुल ले सकता। एग्रीकल्चर इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन है और जिस तरह एग्रीकल्चर फील्ड में इंप्रूवमेंट है, एडवांसमेंट आए हैं, उस प्रकार एग्रीकल्चर फील्ड में स्किल्ड और रिसर्चर्स की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। तो सबसे अच्छी बात तो यह है कि जो भी कैंडिडेट्स एग्रीकल्चर फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए एग्रीकल्चर फील्ड में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स और अंडर ग्रेजुएट कोर्स दोनों कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिससे कि वो प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों में उनके करियर बनाने के ऑप्शंस बढ़ जाते हैं। और जो भी कैंडिडेट्स एग्रीकल्चर फील्ड में अपना इंटरेस्ट रखते हैं और अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए उनको एक एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, जैसे ICR, JET, BHU, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर और भी बहुत से एग्जाम्स हैं। तो इसके लिए या तो वो सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, अदरवाइज उनको एक कोचिंग की नीड होती है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कोचिंग्स के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अब इस कोचिंग के अंदर चलते हैं और जो भी पॉसिबल इन्फॉर्मेशन होती है जो आपको इस कोचिंग के बारे में जाननी चाहिए वो बताएंगे, जैसे कि इस कोचिंग का एनवायरनमेंट कैसा है, यहाँ के क्लासरूम्स कैसे हैं और यहाँ की टीचर फैकल्टी कैसी है, उनको कितना एक्सपीरियंस पढ़ाने का, और सबसे मेन जो है यहाँ पर कितने सिलेक्शंस हुए हैं लास्ट ईयर, ये इन्होंने कितने सिलेक्शन दिए हैं और ये कब से कोचिंग इस्टेब्लिश है यहाँ पे। तो अब यहाँ के डायरेक्टर सर से बात करते हैं, चलते हैं, लेट्स गो। सो अभी हमारे साथ है गुरुवाणी कैरियर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर मिस्टर दिनेश यादव सर। आज आपको इनसे खुद से पता चलेगा कि ये सर आपको बताएंगे इनका कोचिंग आज के टाइम में चौहान परिक्षेत्र में कितना सक्सेसफुल है और ये कौन कौन से कोर्स कराते हैं और अपनी कोचिंग की एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने के लिए तैयार है। तो सर सबसे पहले आप अपना इंट्रो दे दीजिए। सर मेरा नाम दिनेश यादव है और मैं यहाँ लोकली यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर मेरा काम है गुमानपुरा, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। और इंस्टीट्यूट पिछले 6 सालों से चल रहा है, 2017 में हमने इंस्टीट्यूट को ओपन किया। ओके सर, तो 2017 में कहते हैं यानी आपकी कोचिंग को कम से कम भी 6 साल हो गए हैं। 6 साल हो गए लगभग। तो 6 साल के अंदर आपने कितने सिलेक्शंस दिए हैं ना और कितने और आपके रिजल्ट क्या रहे ये बताइए, ताकि इसी से पता चलता है कोई भी आपकी कोचिंग में आएगा तो आपकी कोचिंग कितना सक्सेसफुल आज के टाइम पे है ना। सर एक्चुअली क्या है कि जैसे हमारे बैच होते हैं ठीक है, जैसे मान लो कि आपका 100 बच्चों का बैच है तो उसमें हमारे जो सक्सेस रेट होता है ठीक है लगभग 70 से 80 बच्चे जो है ठीक है उसमें सिलेक्ट होते हैं, और 80% के आसपास बच्चों का रिजल्ट आपको डायरेक्टली देखने को मिलेगा। और इंस्टीट्यूट में सिलेक्शन की बात करें तो अभी ZET 2022 में और ICR और CUET में अप्रोक्सीमेटली 2000 सिलेक्शन हमारे हैं, सॉरी 200 सिलेक्शन हमारे हैं। कितने बच्चों में से यहाँ लगभग हमारे पास में 500 के आसपास स्टूडेंट्स थे, तो उसमें ZET के टारगेट बेस है, ICR के टारगेट बेस है, इसके अलावा 11th फाउंडेशन भी हमारे पास में है, तो उनमें से 200 का सिलेक्शन हुआ। 200 का सिलेक्शन अभी हुआ है। और किसी ने टॉप रैंक ऐसा किया है कुछ? टॉप रैंक सर ऐसा है कि ZET 2022 का जो भी रिजल्ट आया था उसमें ओल्ड राजस्थान हमारा फीमेल कैटेगरी में बेस्ट रैंक था, पूजा यादव उस पिटिया का नाम था और बेस्ट रैंक उसका आया था, और फिर थर्ड रैंक था, उसके बाद में 11वीं रैंक थी, और जो टॉप 100 रैंक की होती है उनमें लगभग हमारे 20 से 25 स्टूडेंट्स थे, जो कि बहुत बड़ी बात है आपके लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आपके जो यहाँ पे टीचर फैकल्टी है ना वो मतलब कि उनको कितना एक्सपीरियंस है और कितनी टीचर फैकल्टी है आपके पास अभी? सर हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट में लगभग 20 लोगों का स्टाफ है, 20 फैकल्टीज लगभग हमारे पास में है, और सब लोग वेल एक्सपीरियंस लोग हैं। जब मतलब टीचर्स को हम हायर करते हैं तो उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनका मतलब कि टीचिंग स्किल क्या है, ये सब चीज़ देखते हैं, और एक मेच्योरिटी के साथ में हम लोग क्लासरूम में काम करते हैं। और एडमिशन के टाइम पे आप डेमो क्लासेस वगैरह देते हैं? जी हाँ, एडमिशन के टाइम में ऐसा होता है कि बच्चे डेमो क्लास लेने के लिए आते हैं, फिर बच्चों को जब अच्छा लगता है इंस्टीट्यूट तो बच्चे एडमिशन लेते हैं। कोई स्कॉलरशिप टेस्ट भी अवेलेबल है क्या? स्कॉलरशिप टेस्ट वगैरह जब एडमिशन टाइम होता है ठीक है तो उस समय हम लॉन्च करते हैं, तो इसमें यदि बच्चा टॉपर है ठीक है तो उसको हम फीस वगैरह में छूट बच्चे को देते हैं, यानी कि उससे बच्चा 100% भी डिस्काउंट ले सकता है आपसे ना? जी उसमें बिल्कुल ले सकता है, बिल्कुल ले सकता। और ICR के साथ आप कौन कौन से कोर्स कराते हैं? देखो सर ऐसा है, एग्रीकल्चर सेगमेंट में हम 3 चीजों की तैयारी बेसिकली यहाँ पे करवाते हैं, ZET, ICR और CUET।
तो इसमें ICR का जो पैटर्न होता है उसमें सिलेबस होता है उसके अकॉर्डिंग पूरा सिस्टम चलता है और उसमें JET वगैरह की तैयारी भी बच्चों की हो जाती है। और इनका पेमेंट मेथड क्या है, वन टाइम टू टाइम? पेमेंट मेथड सर ऐसा है जैसे, अच्छा इसका फीस का, हाँ फीस का, फीस का जो पेमेंट मेथड है सर वो ये है कि जैसे आप सिंगल टाइम भी जमा करा सकते हैं, वन टाइम पूरा पेमेंट आप जमा करा सकते हैं, आपको छूट देता है और बाकी आप इंस्टॉलमेंट का भी आप पे कर सकते हैं। अच्छा, और आपके पास अभी कितने क्लासरूम्स है ना, और आपकी कितनी कोचिंग्स की इंस्टीट्यूट की कितनी बिल्डिंग्स है और कितने बच्चे आपके पास, ये बताइए। ठीक है सर, अभी हमारे यहाँ कोचिंग की तीन बिल्डिंगे हैं जिसमें एक बिल्डिंग में सेपरेटली ICR का कैंपस है तो वहाँ ICR के बीच चलते हैं। आप जिस बिल्डिंग में यहाँ भी इंटरव्यू मेरा ले रहा है, ये बिल्डिंग फाउंडेशन की बिल्डिंग है, इसमें 11 12th फाउंडेशन की क्लासेस यहाँ पे चलती है और एक हमारा जो बिल्डिंग है वो सुपरवाइजर का कैंपस है तो वहाँ पे सुपरवाइजर के बीच चलते हैं। और यहाँ पर अभी आई थिंक मैंने देखा स्कूल भी है यहाँ पे, हाँ स्कूलिंग भी है, फाउंडेशन सिस्टम है सर यहाँ पे। आप स्कूल इंग्लिश मीडियम है? इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों है। दोनों, और आप अभी ऑफलाइन ही पढ़ा रहे हैं या ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं? अभी यहाँ पे सर ऑफलाइन ही स्टडी हमारा चल रहा है और ऑनलाइन पे हम काम कर रहे हैं जिसको बहुत चंद दिनों में लॉन्च करेंगे। यहाँ के बच्चों से अब रिव्यू लेते हैं कि कोचिंग के बारे में क्या सोचते हैं और वो कब से इस कोचिंग में पढ़ रहे हैं और कहाँ कहाँ से वो बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मेरा नाम मेनका गोस्वामी है, मैं अजीतगढ़ से पास रहती हूँ। और यहाँ पर कौन सा कोर्स कर रहे हैं यहाँ पे अभी? मैं नीट का। तो यहाँ पर जो टीचर फैकल्टी है वो कैसी है? वो बहुत अच्छी है, वो हमें बहुत अच्छा मतलब ज्ञान देती है मतलब। तो आप पहले अपना नाम बताइए। Myself सोनू यादव एंड आई एम बिलोंग फ्रॉम धोबलाई। कौन सा कोर्स कर रहे हैं आप? JET का। आपको इस कोचिंग में ऐसा क्या पसंद आया कि आप अदर कोचिंग में तो गए नहीं और यहाँ पे आ गए? Yes, the teachers of this coaching is so calm and determined. They cooperate every student as a brother and as a father. Okay. और यहाँ के डायरेक्टर सर का बिहेवियर कैसा है? The director sir is so 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 much determined and so much punctual and so much calm. ये सब आप प्रेशर में आके तो नहीं बोल रहे? No. मेरा नाम जानवी शर्मा है और मैं यूपी से आई हूँ और मैं मेरे फ्रेंडों के साथ यहाँ पर आई थी और मुझे यहाँ पर 12th की तैयारी का मौका मिला है और मैं नीट की तैयारी करूँगी यहीं सर। Okay. मेरा नाम भारती सैनियर, मैं झुंझुनू से। ये कोचिंग कैसा है? बहुत अच्छा। आप ये सब प्रेशराइज होके तो नहीं बोल रहे ना कि सर के प्रेशर में आके? नहीं, बहुत अच्छा। आप यहाँ पे कौन सा कोर्स कर रहे हैं? मैं JET का। JET का, और अभी कौन सी क्लास में आप? 12th क्लास। यानी 12th के साथ फाउंडेशन कोर्स कर रहे हैं, है ना? हाँ। एक चीज आप सबसे पूछता हूँ, जैसे जो आप जो भी कोर्स कर रहे हो आप यहाँ पे नीट ICR JET PHU, इनकी फीस कहीं ज्यादा तो नहीं है ना? जितनी होनी चाहिए उतनी है ना? ऐसा तो नहीं है ना कि ये कोचिंग जैसे नाम बड़ा है तो ऐसा फीस भी बड़ी ज्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है ना? ठीक, तो सबसे पहले ना आप अपना नाम बता दीजिए आप और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मेरा नाम खुशबू यादव है, मैं सिंगोदखुर्द से बिलोंग करती हूँ। आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं यहाँ पे? ICR का। और ये कोचिंग कैसा है? ये कोचिंग बहुत अच्छा है, ये राजस्थान का सबसे अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट है। यहाँ पर ना यहाँ पर सबसे अच्छा हमें ये लगा कि यहाँ पर क्लास है ना एक क्लासेज खाली नहीं जाती, यहाँ पर ना मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। और यहाँ पर इस जैसा कि सर ने बोला था कि इन्होंने AIR 1 दिए है ना सिलेक्शंस ICR में, तो क्या वो बात सच है? Yes. तो इस कोचिंग में आपको क्या पसंद आया कि इस कोचिंग में आपने एडमिशन लिया, तो किस आधार पे लिया? यहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, टीचर्स रेगुलर आते हैं क्लास में, एक क्लास भी अभी तक खाली नहीं गई है मेरे, मुझे आई हुई यहाँ पे 4 से 5 महीने हो गए पर यहाँ भी अभी तक एक भी खाली क्लास नहीं गई है। टीचर हर रोज आते हैं, सुबह प्रेयर होती है, प्रार्थना के बाद हमें बैठाया जाता है, पीरियड आते हैं, कंटिन्यूटी है पूरे पीरियड में, कंटिन्यूटी है। और अब आप ये बताइएगा यहाँ पर जो टीचर्स है ना वो वीकली टेस्ट लेते हैं या फिर मंथली टेस्ट लेते हैं और कैसे क्या उनका रिजल्ट वगैरह कैसे क्या करते हैं? यहाँ पे हमारे वीकली टेस्ट लिया जाता है और जस्ट टेस्ट लगने के अगले दिन हमारे मशीन से कॉपी OMR चेक होती है, फिर बाद में अगले दिन रिजल्ट सुना दिया जाता है और यहाँ का प्रॉपरली वीकली टेस्ट होता है हमारे। ओके सर, थैंक यू। तो आपने देखा यहाँ के डायरेक्टर सर ने आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी इस कोचिंग के बारे में, तो अगर आप एग्रीकल्चर फील्ड में अपना इंटरेस्ट रखते हैं तो आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, उसके लिए ICR JET VHU एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जैसी एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हैं। और उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि हम आपको बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ कोचिंग्स के बारे में बताते रहते हैं जिससे कि आपको किसी भी कोचिंग के अंदर जाने से पहले एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो अब चलते हैं यहाँ के क्लासरूम्स दिखाते हैं आपको और कुछ स्टूडेंट्स का रिव्यू भी लेते हैं कि वो इस कोचिंग में पढ़ रहे हैं वो क्या सोचते हैं कि ओके लेट्स गो। थैंक यू सर। ओके।
जाएगी।